उत्तर प्रदेश के मथुरा में अब युवकों द्वारा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस का कहना है कि 8 से 25 साल उम्र के 4 लोग गोवर्धन बरसाना रोड पर स्थित ईदगाह में घुसे और हनुमान चालीसा पढ़ी। पुलिस ने इस संबंध में सौरभ नंबरदार, राघव मित्तल, रॉकी और कान्हा को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने उन्हें 2-2 लाख रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। आपको बता दें कि मथुरा के नंद बाबा मंदिर में मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने के बाद अब यहां की एक मस्जिद में 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले युवकों को गिरफ्तार किया। मामला थाना गोवर्धन क्षेत्र की मस्जिद का है। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों का कहना है कि उन्होंने भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑब्जेक्शन किया वहाँ मुसलमान के लड़के साथ थे। मुसलमान के लड़के साथ थे? कौन से लड़के साथ थे? कैसे क्या किया था? क्या किया था उन्होंने? नंदगांव में हम नमाज पढ़ सकते हैं मंदिर में जाके, मंदिर में जाके मथुरा का पुलिस और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। हर प्रकार से हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर माहौल खराब करने का, अराजकता फैलाने का या किसी धार्मिक स्थान की मर्यादा को भंग करने का अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा और वो संज्ञान में आएगा, उससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि जनपद मथुरा में प्रशासन और पुलिस का इसमें सहयोग प्रदान करें, ताकि जो हमेशा से अच्छा सांप्रदायिक माहौल यहाँ पे सौहार्द बना रहा है उसमें सभी जो शहर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।